दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है अनटिल वैक्सीन। देखिए आज बारिश हो रही है और मेघ गरज रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे शायद, तो बहुत मूसलाधार भारी मतलब बारिश हो रही है। और मूसलाधार को जो है वो मूसलाधार बारिश को जो है इंग्लिश में कहते हैं टोरेंशियल रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग आते हैं एडिटोरियल पर। अनटिल वैक्सीन, अनटिल का मतलब जब तक या तब तक, वैक्सीन यानी कि टीका, और अनटिल और टील जो होता है एक ही चीज़ होता है, याद रखिएगा, अलग अलग चीज़ नहीं होता है। जैसे कि आप ये नहीं समझिएगा जैसे अनलेस का मतलब जो होता है इफ नॉट होता है, लेकिन अनटिल का मतलब जो होता है टिल ही होता है, यानी टिल नॉट मत कर लीजिएगा। ये अन लगा हुआ है इसका मतलब नॉट नहीं है, ये अनटिल मतलब टिल ही है, यानी तब तक जब तक कि ये ना हो। तो वैक्सीन जब तक ना आए, इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि वैक्सीन जब तक ना आए या वैक्सीन आने तक, इसको समझने की कोशिश कीजिए, वैक्सीन आने तक या फिर वैक्सीन जब तक ना आए, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इसलिए हम आपको यहाँ पर जो एम्फेसिस डाल रहे हैं कि अनटिल और टिल का जो मतलब एक ही है, याद रखिएगा इस चीज को। अनलॉक मूव्स शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एज द इकोनॉमी शिफ्ट गियर्स। कहा जा रहा है अनलॉक मूव्स जो है, पहले लॉकडाउन वाला मूव्स होता था, याद है ना आपको, और अब जो है अनलॉक मूव से, जब से लॉकडाउन को हटाया जा रहा है धीरे धीरे, तो उसे अनलॉक मूव से, और ये जो है पांचवा मतलब कि दौर है इसका अनलॉक का। तो ये अनलॉक मूव्स जो है या एक कदम जो है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू करना चाहिए टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल, यानी कि सबसे कमजोर। वल्नरेबल का मतलब सबसे कमजोर जो वर्ग है, जो सबसे कमजोर, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होने वाले जो वर्ग हैं, उनको लगातार जो है क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि उनको आगे भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए एज द इकोनॉमी, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि इकोनॉमी जो है यानी कि अर्थव्यवस्था जो है शिफ्ट्स गियर्स, यानी कि उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है या आप तेजी से बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। शिफ्ट्स गियर का मतलब तेजी से बदलाव आना। इसका एक और मतलब होता है स्विच गियर्स, SWITCH, स्विच गियर्स, ठीक है ना। इंडियाज फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशंस फॉर अक्टूबर allowing a further expansion of public activity mainly in education, entertainment and business conferences comes at a time when COVID-19 transmission is steady in many cities। तो कहा जा रहा है कि ये जो अनलॉक रेगुलेशन है, अनलॉक जो नियम है अक्टूबर के लिए, ठीक है ना, उसका भारत का ये पांचवा दौर, ठीक है ना, जिसमें जो है अलाउ किया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है किस क्या करने के लिए, फर्दर एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब और अधिक इसका विस्तार करने के लिए, किस चीज़ का, पब्लिक एक्टिविटी का, यानी कि लोगों का, यानी कि सार्वजनिक गतिविधियों का और ज़्यादा प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी इसमें, खास करके या मुख्य रूप से जो है किसमें, एडुकेशन में, एंटरटेनमेंट में और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में, यानी कि एडुकेशन हो गया आपका, एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा वगैरह ये हो गया, और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में। और यह जो है फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशंस जो है, ये कब आ रहा है, कम्स ऐसा समय में आ रहा है जब COVID-19 ट्रांसमिशन है, यानी कि जब COVID-19 यानी कोरोना वायरस का जो प्रसार है वो क्या है, स्टडी है। एक होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, एक होता है स्टडी, ठीक है ना, स्टडी का मतलब स्थिर रहना, मतलब कि वो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन वो स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो है COVID-19 ट्रांसमिशन जो है, जब इस समय जब स्टडी है यानी कि एक तरह की स्थिर है इन मेनी सिटीज़, कई शहरों में, तो उस समय यह कोविड मतलब कि इंडिया का फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशंस आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेशनली दो द न्यू इन्फेक्शंस बीइंग एडेड एवरी डे। आपको ये बताते हैं दो का जो मतलब होता है हालांकि, ठीक है ना, इसको ऑल्दो भी कहते हैं, और ऑल्दो से जो है हम स्टार्टिंग कर सकते हैं वाक्य को, लेकिन दो से हम लोग जनरली स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए आगे में जो है नेशनली लगा गया है। तो राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि द न्यू इन्फेक्शंस, जो नए संक्रमण हैं वो
जुड़ रहे हैं प्रतिदिन। यहां पर यही वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, एट अबाउट 60,000, मतलब कि लगभग 60,000 के लगभग। और ये जो है रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइन को इन रिसेंट डेज एज पर जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर डाटा। कहा जा रहा है कि ये जो जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर डाटा के अनुसार, एज पर मतलब के अनुसार, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि नए इन्फेक्शंस जो है ऐड किए जा रहे हैं। आप देखिएगा बीइंग के पहले में ना, बीइंग के पहले आर होना चाहिए था या वर होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था जो कि इसका मतलब कि वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर है नहीं। यानी कि यह जो है ये है पास्ट, मतलब कि ये है आपका पेसिव में, लेकिन इसको जो है यूज किया गया है एक एडजेक्टिव के रूप में, ये यहाँ पर एडजेक्टिवल क्लॉज के रूप में। इसका मतलब ये है कि नए इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वे प्रतिदिन जो है वो जुड़ रहे हैं। ये मतलब कि ऐसा कह सकते हैं, ये एक तरीके से पार्टिसिपल है। तो ये जो है जुड़ रहे हैं प्रतिदिन नए इन्फेक्शंस कितने स्तर पर, लगभग 60,000 के दर पर, ठीक है ना। और यह जो न्यू इन्फेक्शंस जो है यहाँ पर मेन आपका सब्जेक्ट का जो वर्ब है ये है रिप्रेजेंट, ये दर्शाता है डिक्लाइन, कमी, ठीक है ना, रिसेंट डेज में, हाल के दिनों में। ये किसके अनुसार है? जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के द्वारा, ठीक है ना, डाटा के अनुसार। समझ गए इस बात को, क्या मतलब मेरा कहना क्या था? द स्ट्रिंजेंट मार्च अप्रैल लॉकडाउन, ये जो एक कड़ा स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, ठीक है ना, मार्च अप्रैल का लॉकडाउन जो था वो कड़ा था एकदम, बड़े कड़े रूप से लाए गए थे उसको, सारा कुछ बंद कर दिया गया था। तो ये जो स्ट्रिंजेंट मार्च अप्रैल लॉकडाउन और उसके बाद एंड द सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद जो मेजर्स अपनाए गए थे, जो उपाय किए गए थे अनलॉक करने का इकोनॉमी को, ताकि जो है प्रिवेंट किया जा सके, इक्वली डेबिलिटेटिंग क्राइसिस टू लिवलीहुड्स हैव मेड इंडिया एन अनकॉमन केस स्टडी, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि एक तो मार्च अप्रैल का स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, ठीक है ना, यानी कि मार्च अप्रैल में बहुत कड़ा लॉकडाउन, और उसके बाद जो है इकोनॉमी को खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए कई सारे उपाय किए गए थे, मतलब कि बाद में, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय। तो इकोनॉमी को खोलने के लिए कई सारे उपाय किए गए थे, ताकि, यानी कि पर्पस बता रहा है ये प्रिवेंट का, या टू प्रिवेंट है, तो ताकि रोका जा सके किस चीज को, इक्वली डेबिलिटेटिंग क्राइसिस टू लिवलीहुड्स, यानी कि आपके जो आजीविका है, लिवलीहुड्स का मतलब आजीविका, को जो है उतना ही, मतलब समान रूप से दुर्बल करने वाले, समान रूप से कमजोर करने वाली जो क्राइसिस है, जो संकट है, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा था, सब्सिक्वेंट मेजर्स अपनाया गया था इकोनॉमी को खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए, ठीक है, समझ गए। और इसने जो है ये जो मतलब कि स्ट्रिंजेंट मार्च अप्रैल लॉकडाउन और सब्सिक्वेंट मेजर्स जो है, इस ये दोनों जो है इस इंडिया को जो है एक क्या बना दिया, एक अनकॉमन, असामान्य, ठीक है ना, मतलब ये मतलब कि आम नहीं था, ये एक खास, एक अनकॉमन केस स्टडी बना दिया, यानी कि इस मामले को अध्ययन करने का एक असामान्य केस बना दिया इसको, ठीक है ना। द डिसीजन टू अलाउ स्टेट्स टू कंसिडर रीओपनिंग स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स आफ्टर अक्टूबर 15 फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू ऑप्शनली अटेंड विल प्रूव अ डिफिकल्ट वन कंसिडरिंग न्यू रिसर्च एविडेंस बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश पॉइंटिंग टू हाई प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन अमंग चिल्ड्रेन हु वर कॉन्टेक्ट ऑफ वेरियस वायरस केसेस इन द सेम एज ग्रुप। अब देखिए इतना बड़ा सा एक वाक्य है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटेंस का वाक्य है, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ये चीज, ठीक है। ये जो निर्णय है, निर्णय क्या है कि स्टेट्स को अनुमति देना क्या करने के लिए, कि वो विचार कर सके खोलने के बारे में, फिर से खोलने के बारे में किस चीज़ को, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को, कब, तो 15 अक्टूबर के बाद, किसके लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं, जिनकी इच्छा है
वो वैकल्पिक रूप से इसे अटेंड कर सके, मतलब क्लास को। ये जो है, ये डिसीजन जो है विल प्रूव अ डिफिकल्ट वन, ये जो है बड़ा कठिन साबित होगा, कंसिडरिंग यह देखते हुए, या आप इसको क्योंकि भी कह सकते हैं, यह देखते हुए कि न्यू रिसर्च जो एविडेंस आया है, यानी कि नए जो शोध जो सबूत है, ठीक है ना, जो कि आधारित है किस चीज़ पर, आंकड़े पर। आंकड़े कहाँ से मिले हैं? फ्रॉम तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जो आंकड़े मिले हैं उसी पर आधारित जो नया रिसर्च एविडेंस है वो पॉइंटिंग करता है, यानी कि पॉइंटिंग टू का मतलब कि इंगित करता है, एक तरीके से इशारा करता है किसकी तरफ, हाई प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, यानी कि संक्रमण का बहुत ही ज़्यादा उच्च मौजूदगी या उच्च प्रसार इसके बीच, बच्चों के बीच, हु आर कॉन्टेक्ट्स ऑफ वायरस केसेस, जो कि वायरस केसेस के कॉन्टेक्ट्स रहे हैं, संपर्क रहे हैं, इन द सेम एज ग्रुप, एक ही आयु वर्ग में, ठीक है। बहुत आसान हो गया था तो, सात मतलब कि 7 लाइन का ये, लेकिन कितना आसान से, आसानी से पढ़े हम लोग। स्लोइंग कम्युनिटी स्प्रेड इज बाउंड टू बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड सिंस गवर्नमेंट्स ब्लेम केयरलेस एटीट्यूड फॉर कंटिन्यूड ट्रांसमिशन नोटेबली इन केरला एंड तमिलनाडु। ये छोटा है, ठीक है ना। स्लोइंग क्या हो गया? स्लोइंग जो है यहाँ पर मतलब जीरंड हो गया, ठीक है ना, जीरंड हो गया, जीरंड मतलब करना, तो करना, जाना, खाना, ये जो आना आना, जो ना 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 जो है ना उसमें, उसको कहा जाता है जीरंड। तो स्लोइंग, जीरंड का मतलब होता है नाउन प्लस वर्ब, ठीक है ना। तो कम्युनिटी स्प्रेड को, यानी कि जो आप कम्युनिटी स्प्रेड को स्लो करना, यानी कि धीमा करना, वो क्या होने जा रहा है? इज बाउंड टू बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो जो है और ज़्यादा पेचीदा होने जा रहा है, ठीक है ना, मतलब पेचीदा होगा ही, ठीक है ना। क्यों क्यों होगा ऐसा? सिंस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि सरकारें जो है वो क्या कर रही है, ब्लेम कर रही है इसको, केयरलेस एटीट्यूड को फॉर कंटिन्यूड ट्रांसमिशन, यानी कि लगातार जो प्रसार हो रहा है संक्रमण का, उसके लिए गवर्नमेंट जो है ब्लेम कर रही है केयरलेस एटीट्यूड को, मतलब कि लापरवाह जो सोच है, लापरवाह जो तरीका है उसको, ठीक है ना। एटीट्यूड का मतलब सोचने समझने का ढंग, उसको तक करने का जो ढंग है वो हो गया। तो केयरलेस मतलब लापरवाह जो है, बेपरवाह जो है तरीके हैं उसको गवर्नमेंट जो है ब्लेम कर रही है, खास करके केरला में और तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल एसेंशियल मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक रीजन इंक्लूडिंग यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अनअवॉइडेबल इन डिफरेंस टूअर्ड्स सेफ पब्लिक बिहेवियर इज एक्सट्रैक्टिंग अ हैवी सोशल कॉस्ट, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर वायर का मतलब हालांकि, ठीक है ना, एक कंजंक्शन है जो कि आपको दो का ही या ऑल दो का ही सेंस दे रहा है, यानी कि आपको ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य बता रहा है, ठीक है। हालांकि एसेंशियल मूवमेंट जो है, अनिवार्य आवाजाही जो है, एक तरीके से उसकी जो गतिविधि है इकोनॉमिक रीजंस के वजह से, यानी कि आपको कह सकते हैं आर्थिक कारणों के वजह से जो है एक एसेंशियल मूवमेंट जो है व्हीकल्स का, जिसमें जो है व्हीकल्स का या लोगों का, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो है सार्वजनिक परिवहनों का जो इस्तेमाल भी है या उपयोग भी है शामिल, इज अनअवॉइडेबल, ये जो है अपरिहार्य है, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको अवॉइड नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या है कि इनडिफरेंस जो है, एक उदासीनता जो है किसके तरफ, सेफ पब्लिक बिहेवियर मतलब सुरक्षित एक सार्वजनिक जो आचरण है उसके प्रति जो एक उदासीनता है लोगों में, उसके वजह से क्या हो रहा है, इज एक्सट्रैक्टिंग अ हैवी सोशल कॉस्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कीमत चुकानी पड़ रही है, इज एक्सट्रैक्टिंग अ हैवी सोशल कॉस्ट इवन इन द फेस ऑफ अ डेडली पैंडेमिक, इवन इन द फेस ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक है, यहाँ तक कि ये जो डेडली, ये घातक महामारी के बावजूद, घातक महामारी के बावजूद भी, इवन मतलब भी गवर्नमेंट्स जो है वो क्या कर रही है, आर टेकिंग अ बेनाइन व्यू ऑफ रिकैल्सिट्रेंट पीपल हु डू नॉट वेयर मास्क इवन ऑन बसेस एंड ट्रेन्स, स्पिट इन पब्लिक एंड क्राउड कमर्शियल लोकेशंस। अब देखिए इसमें कुछ शब्द आप देख लीजिए, बेनाइन का मतलब होता है काइंड या प्लीजेंट, ठीक है ना,
मतलब कि एक सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं, एक अच्छा रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है हठी या उद्दंड, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि ये जो डेडली पैंडेमिक के बावजूद भी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, एक बेनाइन व्यू लेनी मतलब कि ले रही है, यानी कि ये जो रुख अपनाई है, टेकिंग अ व्यू का मतलब रुख अपनाना, ठीक है ना। एक मतलब कि ये जो मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से ये रुख अपना रही है, या एक इसको कह सकते हैं बड़ा काइंडली इस चीज को देख रही है, मतलब एक तरीके से उसमें काइंडनेस है, किस चीज का, रिकैल्सिट्रेंट पीपल को लेकर, यानी कि जो उदंड लोग हैं उसको लेकर जो है गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, या स्ट्रिक्टनेस जो है उनके एक्शन में नहीं दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक बेनाइन व्यू ले रही है, एक सौहार्दपूर्ण रवैया अपना रही है, किसके प्रति, रिकैल्सिट्रेंट लोगों के प्रति, यानी कि उदंड लोगों के प्रति, हु डू नॉट वेयर मास्क, जो मास्क नहीं पहनते हैं, यहाँ तक कि बसेस में भी और ट्रेन्स में भी, सार्वजनिक स्थानों पर यानी सार्वजनिक रूप से थूक फेंकते हैं, एंड क्राउड कमर्शियल लोकेशंस, और जो व्यवसायिक स्थान है या स्थल है वहाँ पर भीड़ लगाते हैं, ठीक है ना। तो उनके प्रति जो है गवर्नमेंट्स एक बेनाइन व्यू ले रही है, जबकि लेना चाहिए एक मतलब स्ट्रिक्ट व्यू, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मॉनसून एंड विंटर मंथ्स, कहा जा रहा है कि मॉनसून के दौरान और सर्दियों के महीनों के दौरान जो है, मतलब ड्यूरिंग मतलब दौरान, एंड द फेस्टिव सीजन, और क्या फेस्टिव मतलब कि त्योहारों का जो एक मौसम है उसके दौरान, पोलाइट परसुएसिव इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब समझिए, पोलाइट का मतलब जानते हैं विनम्र होता है, परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंस करना, एक तरीके से किसी को मनाना, किसी को समझाना, तो इन्फोर्समेंट का मतलब किसी चीज़ को लागू करना। तो ये चीज़ जो था कि मास्क पहनना है सबको, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आपको, मतलब कि हैंड वॉश करना है, ये सब कुछ ध्यान रखने थे। तो ये जो पोलाइट मतलब कि और परसुएसिव इन्फोर्समेंट है, वुड बी एसेंशियल टू रिड्यूस इन्फेक्शन रेट्स, यानी कि इन्फेक्शन रेट्स को यानी संक्रमण दर को कम करने के लिए जो है क्या कहा जा रहा है कि मॉनसून और विंटर मंथ्स और फेस्टिवल सीजन्स के दौरान ये जो परसुएसिव और पोलाइट इन्फोर्समेंट है, ठीक है ना, यानी कि विनम्र तरीके से और समझा बुझाकर जो इन्फोर्स करवाया जाना है वो जो है बड़ा एसेंशियल होगा, यानी कि अनिवार्य होगा इन्फेक्शन रेट्स को कम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Among the relaxation measures in the October unlock phase is permission for cinemas and multiplexes to open at 50% capacity, but the risk surrounding enclosed spaces and transmission from asymptomatic individuals is real. कहा जा रहा है among का मतलब यहाँ पर बीच नहीं कहिए, यहाँ पर मे, ठीक है ना। द रिलैक्सेशन मेजर्स, ये जो छूट के जो उपाय हैं, ये यानी कि जो छूट दिए जा रहे हैं उनके जो उपाय हैं, इन द अक्टूबर अनलॉक फेज, ठीक है ना, यानी कि अक्टूबर अनलॉक चरण के चरण में जो है, यानी कि अनलॉक अक्टूबर के अनलॉक फेज में जो रिलैक्सेशंस मेजर्स अपनाए गए हैं, जो रिलैक्सेशंस उपाय यानी कि छूट जो दी गई है उनमें, तो उनमें मतलब अमंग उनमें जो है वो क्या है, एक परमिशन है, एक अनुमति है किसके लिए, सिनेमाज के लिए और मल्टीप्लेक्सेस के लिए कि वो खुले, किसमें, एट 50% कैपेसिटी। मान लीजिए जहां पर 100 लोग बैठते थे अब जो है वहां पर 50 लोग ही बैठेंगे, ठीक है ना। बट द रिस्क, लेकिन जो जोखिम है इनसे जुड़ा हुआ, किनसे जुड़ा हुआ, इनक्लोज स्पेसेस, इनक्लोज मतलब एक बंद एक तरीके से जो स्थान होते हैं जहां पर, जैसे सिनेमा हॉल हो गया तो एक इनक्लोज्ड स्पेसेस होता है जहाँ पर पूरी तरह से बंद होता है चारों तरफ से, तो इनक्लोज्ड स्पेसेस से जुड़ा हुआ जो रिस्क है और जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि संक्रमण का प्रसार जो होता है असिम्टोमेटिक इंडिविजुअल से, यानी कि वैसे व्यक्ति से जिन पर लक्षण नहीं देखे जाते हैं, तो उससे जो है ट्रांसमिशन यानी कि जो प्रसार होना है संक्रमण का वो वास्तविक है, इज रियल, यानी कि वो जोखिम जो है वास्तविक है। व्यूड अगेंस्ट द इन्हेंस्ड रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना, वेयर मास्क आर रिमूव्ड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सच एज सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स, दीज इंटरटेनमेंट ऑप्शंस मे नॉट हैव वाइड अपील इन द प्री वैक्सीन फेज। कहा जा रहा है कि व्यूड अगेंस्ट,
इसको देखते हुए, क्या मतलब कि इसको देखते हुए कि जो इन्हांस्ड रिस्क है, मतलब ये जो बढ़ा हुआ रिस्क है, एक जोखिम जो है ऐसे माहौल का, ठीक है ना, यानी कि रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट्स, जो वातावरण है उसका जो बढ़ा हुआ एक इंक्रीज रिस्क है, एक तरीके इन्हांस्ड रिस्क है, बढ़ा हुआ जो रिस्क है, जोखिम है, उसके अगेंस्ट में अगर देखते हैं, मतलब उसके पृष्ठभूमि में देखें, तो जहाँ पर जो है इस इन्वायरमेंट में जहाँ पर मास्क हटा दिए जाते हैं खाने के लिए या फिर पीने के लिए, जैसे कि सिनेमाज और रेस्टोरेंट्स में होते हैं, तो उस पृष्ठभूमि में देखें तो यह जो इंटरटेनमेंट ऑप्शंस जो है, यानी कि दिस इंटरटेनमेंट ऑप्शंस मे नॉट हैव वाइड अपील, इसका जो है बहुत व्यापक अपील नहीं हो सकता है इन द प्री वैक्सीन फेज, यानी कि टीका के पूर्व वाले चरण में ये इसका अपील नहीं हो सकता, मतलब ये लोगों को ज़्यादा भा नहीं सकता है, ठीक है ना, अपील करते हैं ना किसी को। तो वाइल द इकोनॉमी शिफ्ट गियर्स इन द एक्टिविटी फेज कहा जा रहा है, हालांकि ये जो एक्टिविटी फेज में, यानी कि गतिविधि के चरण के दौरान, यानी कि जहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, तो उस समय जो है, उस दौरान जो है मतलब क्या होता है, हालांकि अर्थव्यवस्था जो है में तेजी से बदलाव आती है, शिफ्ट गियर मतलब तेजी से बदलाव, टू चेंज सडनली एक तरीके से कह सकते हैं। तो वाइल द इकोनॉमी शिफ्ट गियर्स इन द एक्टिविटी फेज, सेंटर यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार जो है शुड बी फोकसिंग, उनको जो है फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए किस पर, ऑन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। तो उनको किस पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, इम्प्रूव करने में, मतलब सुधार करने में, किस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग को, समझ को, किस चीज़ का समझ, हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ जो हेल्थ इम्पैक्ट्स है, यानी कि स्वास्थ्य जो असर है उसकी, उसको लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है लोगों में, उसको इम्प्रूव करने, उसको सुधार करने में सेंटर को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक रूप से, वाइल इट हैज इम्फेसाइज मैसिव रिकवरी रेट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब कि निराशाजनक रूप से जो है, हालांकि इसने, इट मतलब सेंटर ने इम्फेसाइज किया, मतलब जोर डाला है किस चीज़ पर, मैसिव रिकवरी रेट्स पर फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि रिकवरी रेट्स का मतलब जो है, यानी कि संक्रमण से जो है ठीक होने का जो दर है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होने के कारण उसने उसको इम्फेसाइज किया, उस पर जोर डाला है। हालांकि जो है सेंटर ने क्या किया है, जोर डाला है किस चीज़ पर, मेसिव रिकवरी रेट्स पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो ठीक हुए हैं, ठीक होने का जो दर है इन्फेक्शन से, उस पर जो है सेंटर ने जोर डाला है। इट हैज़ फेल टू स्टैंडर्डाइज, लेकिन यह जो है, यहाँ बोले ना, एक तरफ तो पॉजिटिव हो गया लेकिन यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, क्योंकि वेल जो है वो आपका कंजंक्शन है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य को बताता है, जैसे ऑल्दो वगैरह से बताता है। तो इट हैज, इट मतलब हो गया सेंटर जो है वो विफल हो गया है किस चीज़ में, स्टैंडर्डाइज करने में, मानकीकृत करने में, या उसको एक स्टैंडर्ड रूप में देने में, किस चीज़ को, टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेथड्स अमंग स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच जो है, या राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग मेथड्स जो होनी चाहिए, यानी कि परीक्षण को लेकर जो एक मेथड्स होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग यानी कि जो केस आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करने का जो मेथड्स होनी चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने में, उसको एक समान करने में, यह मतलब सेंटर जो है वो फेल हुआ है, वो विफल हुआ है। और क्या हुआ है, एंड पब्लिश, ये जो है फेल्ड से ही जो है, ये फेल टू से ही ये भी जुड़ गया, और फेल टू से ये भी जुड़ा है, देखिए दोनों वर्ब है, ठीक है ना, मतलब कि ये दोनों इन्फिनिटिव है। एंड पब्लिश, और पब्लिश करने में भी ये विफल रहा, किस चीज़ को, बारीक मतलब कि आंकड़े को, आंकड़े किस चीज़ पर, ऑन टाइप्स ऑफ टेस्ट कैरिड आउट इन ईच स्टेट, ये कैरिड आउट जो है ना, यहाँ पर फिर पार्टिसिपल है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रत्येक स्टेट में जो किए जा रहे हैं जो टेस्ट के प्रकार हैं, जो परीक्षण के प्रकार हैं, उस पर जो है बारीक डाटा को पब्लिश करने में भी यह विफल रही, ठीक है ना। और क्या पब्लिश करने में विफल रही, एनोनिमाइज्ड पेशेंट हिस्ट्रीज, यानी कि रोगी का जो हिस्ट्रीज है, जैसे उसका जो मेंटेन किया जाता है कि इसके बाद क्या हुआ उसके साथ, इसके बाद क्या नहीं हुआ, ये चीज़ जो मेंटेन की जाती है,
या कौन से दवाई चल रहे हैं, वो हिस्ट्री होता है उसका। तो रोगी का जो हिस्ट्री है वो एनालाइज्ड हिस्ट्री को जो है वो पब्लिश करने में विफल रही सेंटर। एनालाइज्ड का मतलब समझिए, एनालाइज्ड का मतलब होता है वो चीज, ये बना है एनालाइज से, ठीक है ना, MISE या MIZE, ठीक है ना। उसका मतलब होता है आप जैसे यहाँ पर एनालाइज्ड पेशेंट है, ठीक है ना, तो पेशेंट का जो बात होती है उसमें उसका नाम हटा दिया जाता है, बात बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिलेटेड जो जितने भी हिस्ट्री हैं उस पर उन पर जो काम किया गया है वो रहेंगे, लेकिन उसका केवल नाम हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर नाम हटाने से क्या होगा कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो एक साथ जब रिसर्च के दौरान जाता है तो ये नहीं पता चलता है कि इस पेशेंट को ये है, इस पेशेंट को ये नहीं है, ठीक है ना। उसमें केवल ये देखा जाता है कि हिस्ट्री में कैसे काम किया जा रहा, मतलब कि किसी कोई पेशेंट आया इस स्टेज में और उसके बाद जो है उसके साथ ये घटना घटी है या उसके अंदर जो है ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, तो उस चीज को देखता है। तो रिसर्च में ये देखा जाता है कि नहीं, नाम नाम से जो है बहुत लोग मतलब कि उसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो एनोनिमाइज्ड मतलब कि गुप्त रूप से या अज्ञात जो पेशेंट हिस्ट्रीज है, ठीक है ना, उसको पब्लिश करने में विफल रही है। पोस्ट रिकवरी स्टेटस को, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है ना, यानी कि जो जटिलताएं आती है यानी कि पोस्ट रिकवरी यानी कि ठीक होने के बाद जो जो उनकी अवस्था होती है जिसमें जो है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो जटिलताएं होती है, और जो उनकी जो पोस्ट रिकवरी स्टेटस में जो है मॉर्टेलिटी होता है यानी कि उसके बाद भी जो अगर मरता है, ठीक है ना, उस चीज को भी पब्लिश करने में क्या हुई है, ये फेल हो गई है, असफल हुई है। रिपीटेड इम्फेसिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकवरीज विच वर एक्सपेक्टेड एनी वे बट विदाउट द नेसेसरी कैवियट्स मे बी इंक्रीजिंग मिलियंस टू लोअर देयर गार्ड, ठीक है ना। तो ये जो बार बार रिपीटेड मतलब बार बार जो जोर डाला जा रहा है किस चीज में, ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकवरीज मतलब ठीक होने के संख्या पर, मतलब कि एक बड़ी संख्या पर जो बार बार जोर डाली जा रही है सेंटर के द्वारा, विच वर एक्सपेक्टेड एनी वे, जो उम्मीद थी, ठीक है ना, वैसे भी एनी वे मतलब वैसे भी, ठीक है ना, जिसकी उम्मीद थी वैसे भी, ठीक है ना, लेकिन बिना किसी आवश्यक चेतावनी के, कैवियट्स का मतलब चेतावनी के, बट लेकिन बिना किसी आवश्यक चेतावनी के यह क्या होगा, ये इम्फेसिस जो है इस चीज पर मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ रिकवरीज पर ये क्या करेगा, ये संभावना बता रहा है कि यह इंक्रेज करेगा या इंक्रेज कर सकता है लाखों लोगों को कि वो जो है बेपरवाह हो जाए, टू लोअर देयर गार्ड, कि मतलब कि इस खतरे के प्रति जो है अपने मतलब कि वो लाख वो जो है जो परवाह कर रहे हैं, जो एक तरह से केयरफुल हो रहे हैं, वो अपने केयरफुल का जो स्टेज है वो कम कर दे, मतलब बेपरवाह हो जाए उसके। एवरी एफर्ट टू रिलीव द सिटीजन्स फटीग ओवर COVID-19 शुड बी मेट, कहा जा रहा है कि कोविड 19 को लेकर जो सिटीजन्स का जो फटीग है यानी कि जो एक तरीके से परेशानी है या आप कह सकते हैं उसकी जो थकावट है, ठीक है, या थकान है, उसको दूर करने के प्रयास मतलब हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बट द गोल लेकिन जो लक्ष्य है वो क्या है, इज टू प्रिजर्व हेल्थ, यानी कि लक्ष्य ये है कि हमें स्वास्थ्य को जो है बनाए रखना है, कब तक, जब तक कि कोई मेडिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाती है, यानी कि जब तक कोई चिकित्सा जगत में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है मतलब कि टीका वगैरह नहीं मिल जाती है, तब तक जो है हमें क्या करना है, अपने हेल्थ को प्रिजर्व रखना है मतलब बनाए रखना है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ, आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।